हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एडू एंटरटेनमेंट। सो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इस वीडियो में मेरा जो प्राइम फोकस होगा वो होगा कॉन्सेप्ट पे। इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है और अब एग्जांपल्स भी करने वाले इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं एग्जांपल और मैं पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन दूंगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट इसके लिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद सम जोश। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। आई सेड हाउ इज द जोश? हाय सर। सो स्टूडेंट्स मैंने जैसे आपको वादा किया कि इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और कॉन्सेप्ट पे ही हमारा वीडियो खत्म होगा। तो आज जो हमारा प्राइम फोकस है वो मेरा कॉन्सेप्ट पे है। तो हम शुरू करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट से। क्या है कि एग्जांपल है कि राहुल करके एक 25 साल का आदमी है, 25 साल का नौजवान है, उसकी नौकरी लगी। कितने रुपए में नौकरी लगी उसकी? 5000 रुपीज में उसकी नौकरी लगी। और उसको क्या बोला गया कि आपका जो एनुअल इनकम ग्रोथ होगा कि एक साल बाद आपकी कितनी इंक्रीमेंट होगी, वो इंक्रीमेंट पहले से ही बोल दिए कि 500 रुपीज हर साल आपके सैलरी में बढ़ेंगे। उसको 5000 सैलरी में उसका ये जॉब लगा और उसको बोला गया कि एनुअल इनकम ग्रोथ जो रहेगा वो आपका रुपीज 500 होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले साल तो उसको 5000 रुपीज मिला महीने के, फिर दूसरे साल उसके 500 रुपीज बढ़े तो दूसरे साल उसको कितनी सैलरी मिली? 5500। सो राहुल की तीसरे साल कितनी सैलरी हो गई? 6000 रुपीज, और फिर 6500 और सो ऑन। तो ऐसी जो सीरीज बनती है, ये सीरीज, ये 5000, फिर 5500, फिर 6000, 6500, आप देख रहे हैं कि इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट की इंक्रीमेंट हो रही है। ये जो फिक्स्ड अमाउंट का इंक्रीमेंट होता है कोई भी सीरीज में, उसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स एक सीरीज दी हुई है हमको, एक एग्जांपल के लिए अननोन सीरीज है, 81 78 75 72 एंड सो ऑन। ये हमको सीरीज दिया। अब हमको पूछा, मुझे ये जानना है कि ये सीरीज है वो एपी है या नहीं। इसका शॉर्ट फॉर्म हम एपी यूज करूंगा इसके बाद। ये एपी है कि नहीं ये हमको फाइंड करना है। और मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया कि कौन सी सीरीज को एपी बोलेंगे, जिसमें एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो या एक फिक्स्ड डिक्रीमेंट हो। इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इसमें फिक्स्ड डिक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कैसे चेक करेंगे कि हम 78 माइनस 81 करेंगे तो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा? -3। फिर 75 माइनस 78 करेंगे तो फिर भी हमको मिल रहा है -3। फिर 72 माइनस 75 करेंगे तो फिर भी हमको मिल रहा है -3। तो देखो आप, एक कॉन्स्टेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, 3 का कॉन्स्टेंट डिक्रीमेंट हो रहा है इस सीरीज में। तो ये हम बोलेंगे कि हाँ ये सीरीज हमारा एपी है। जिसमें भी आपको सीरीज बोला हो और आप फाइंड कर रहे हो ये दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस, इसको इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी। इसका जो हम टर्म है, उसका जो टर्म का नेमिंग दिया हुआ वेरिएबल है वो है डी। तो हमको देखना है अगर इसका डी, कोई भी सीरीज दिया हो उसका अगर कॉमन डिफरेंस डी एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम उस सीरीज को एपी बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स अब अगला टॉपिक क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। और यहां से स्टूडेंट्स हमारा असली चैप्टर शुरू होता है, असली खेल शुरू होता है। ये nth टर्म का क्या मीनिंग है वो हम आप एग्जाम्पल कहते रहे, वो राहुल वाला एग्जाम्पल ही फिर से ले लेते हैं। उसकी सीरीज क्या बनी थी राहुल वाले एग्जाम्पल में? 500, फिर 5500, फिर 6000 एंड सो ऑन। तो ये हमारा ये जो टर्म है उसको मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये होगा फर्स्ट टर्म, ये होगा हमारा सेकेंड टर्म, ये होगा हमारा थर्ड टर्म, बराबर। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये n टाइम्स चल रहा है। तो यहां पे जो टर्म आएगा वो होगा nth टर्म, इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि हमको
एन टर्म ऑफ एन एपी, मुझे कोई सा टर्म फाइंड करना है एपी में, एंथ टर्म फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अब हम एग्जांपल लेते हैं कि इसके पहले साल तो नौकरी लगी जब 5000 सैलरी थी, फिर दूसरे साल 5500 हो गई। सो अब स्टूडेंट्स मुझे ये जानना है कि इसके 15th ईयर में, ये जब इसके नौकरी करने के 15 साल हो चुके होंगे, तब उसकी सैलरी क्या होगी। अब मुझे वो फाइंड करने की क्यूरियोसिटी हो रही है, तो कैसे करेंगे? देखो 5000 तो उसकी पहले साल थी, बराबर है। अब 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, देखो तो मैं क्या लिख रहा हूं, रुपीज 500 प्लस रुपीज 500 कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 5000 उसकी इनकम थी और हर साल 500 रुपीज बढ़ रहे, और मुझे कौन से साल की फाइंड आउट करनी है, 15th ईयर की, उसकी 15th ईयर में सैलरी क्या होगी। तो 500 जो है मैं उसको 13 टाइम्स रिपीट कर रहा हूं, प्लस रुपीज 500, ये जब मेरा कैलकुलेट हो जाएगा तो मुझे 15th ईयर की उसकी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। ये आप समझ ही रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसको इजीली समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यही इसका एग्जांपल लेता हूं। ये जो 5000 है इसको मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। फिर दूसरे ईयर क्या होगा, ए प्लस डी, ये जो डी है वो फिक्स इंक्रीमेंट है, ठीक है, जो मैंने कॉमन डिफरेंस दी आपको बोला था। फिर उसके नेक्स्ट साल क्या होगा, 1 प्लस 2 डी, ऐसे जाते 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 जब हम 15th ईयर पे पहुंचेंगे तो हम क्या हमारा क्या होगा, ए प्लस 14th डी। जब हम 15 साल पे खत्म, जब हम 15 साल पे पहुंचेंगे तो हमारा जो बनेगा वो होगा ए प्लस 14 डी, ठीक है। तो इसलिए वही मैंने, यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, 13 टाइम्स प्लस रुपीज 500। तो क्या होगा, देखो 5000 प्लस 14 into 500, क्योंकि 14 टाइम्स हमारा 500 फिक्स इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, कौन से साल में, 15वें साल में, ठीक है। अब मैं 14 को क्या बोलूंगा, देखो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 15 minus 1 into 500, ऐसे लिखने में 14 और 15 माइनस 1 में कुछ फर्क तो है नहीं, पर बहुत हमको हेल्प हो जाती है, क्या, क्योंकि ये जो हमारा टर्म है वो कौन सा टर्म है, 15th टर्म है, उसको मैं डोनेट करूंगा A15 से, मतलब ये क्या होगा, ये हम A1 बोलेंगे, ये A2 होगा, तो A15 क्या होगा, 5000 प्लस 15 minus 1 into 500। अब देख रहे हैं आपका जो फॉर्मूला है चैप्टर का वो बन रहा है धीरे धीरे। एक और एग्जांपल लेना है मुझे, A25 फाइंड करना है अभी, कि 25वें साल में उसकी सैलरी क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, 5000 तो लिखूंगा ही मैं, प्लस ये इसको A बोलेंगे, सॉरी A1 A2, ठीक है, A25 मुझे फाइंड करना है। तो 5000 प्लस, अब देखो यहां पे जो नंबर होता है उसके एक माइनस कर लेना है, मतलब 25 माइनस 1 इनटू फिक्स इंक्रीमेंट डी, कॉमन डिफरेंस डी वो भी बोल सकते हैं हम। तो देखो A25 की फॉर्मूला, अब मुझे क्या फाइंड करना है, nth टर्म ऑफ एनएपी, तो मुझे अब A25 है, अब मुझे AN फाइंड करना है, ठीक है। और 5000 क्या है, A है वेरिएबल, इसको मैंने एक कॉन्स्टेंट डिनोट कर दिया है कि 5000 को मैं ए बोल रहा हूं, ठीक है, प्लस 25, और 25 क्या है हमारा, ये जो है यहाँ पे रख देना, यार 25 है तो यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन आएगा, माइनस 1 इंटू ये क्या है 500 कॉमन डिफरेंस डी, तो इसको मैं बोल दूंगा डी, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आपका है एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का बन गया है, An is equals to A plus N minus 1 D। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और अब यहां से इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहा है, क्योंकि अब मैं आपको An का फंक्शन और N का फंक्शन क्या है वो समझाऊंगा। ये दोनों समझना बहुत जरूरी है, ये दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ईजी होगी। और अब इसके बाद तो मैंने तीन सबसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल चूज किए हैं 5.2 से, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखें। An और N का बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अच्छे से। An क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, मतलब ये A है, A प्लस डी है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है, हमारा एरिथमेटिक सीरीज है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू क्या है वो आपको एन बताएगा, और उस सीरीज में कितने टर्म्स है वो आपको एन बताएगा। तो ये दोनों डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं।
सो स्टूडेंट जो n है वो आपको नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएगा, और ये जो an है वो आपको उस टर्म की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल टर्म की क्या वैल्यू होगी वो आपको बताएगा। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसका एग्जांपल मैं जो अभी बताऊंगा इसमें इस्तेमाल होगा ये कॉन्सेप्ट का। सो स्टूडेंट्स आप फटाफट से एग्जांपल्स देते हैं जो मैंने खुद से पिक किए हुए, जो मुझे बहुत अच्छे एग्जांपल्स लगे इस कॉन्सेप्ट पे ऊपर। तो अब शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहला एग्जांपल लेते हैं, ये टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है। क्या है, एक सीरीज दी हुई है, हमको बोला है कि पीछे से आप 11 टर्म फाइंड करें। हम ऐसे फाइंड करते हैं, यहां से ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तो 11 टर्म होगा। पर हमको बोला है कि यहां से 11 टर्म नहीं, पीछे से 11 टर्म आप फाइंड कीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप जनरल आप जाएंगे, अब जो मैंने आपके कंसेप्ट कराया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक सिंपल एक चीज करके ये आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि डी क्या होगा। डी होगा 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सीरीज को उल्टा कर लेता हूं। देखो ये स्मॉल चीज है पर ये आपको क्वेश्चन का बहुत इजी बना देगी। -62 पहले डी -3 था, पर मैं अब सीरीज उल्टा कर रहा हूं, पहले डिक्रीमेंट हो रहा था तो अब इंक्रीमेंट होगा, तो -59 और सो ऑन, और हमारा लास्ट टर्म होगा 10, ठीक है। कितना इजी हो गया। अब हमको डायरेक्ट फाइंड कर लेना है A11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 डी, क्योंकि ये और ये सेम है। A क्या है -62, 11 इतने 10 इंटू ये होगा 3, तो -62 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू -32 A11। तो देखो आप स्टूडेंट्स, ये स्मॉल चेंज कर लेने से ये सम जो शायद 3 मार्क का है वो 2 मार्क का हो गया है। तो आप ये होता है कंसेप्ट का पावर। अब ये आप नहीं विचार करेंगे, आप नहीं सोचेंगे ये सब, तो आप बहुत लंबा चले जाएंगे और फिर ये 3 मार्क का सम हो जाएगा। उसके लिए क्या करने के पहले आपको एन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एन हमारा कितना है, मतलब ये कितना टर्म है। ये 25th टर्म आएगा, मैं आपको डायरेक्ट से बता रहा हूँ। और फिर 25 माइनस 11 क्या होगा कि 15th टर्म होगा। आप बोलेंगे 14 होगा, पर हमको 25 भी तो काउंट करना है ना, इसलिए। तो अब हमको क्या बोलेगा, हमको क्या करना है कि 8 हम 11 फाइंड किए उसके बजाय हमको हम ए 15 फाइंड आउट करना पड़ता, ठीक है। पर ये सब आप झंझट करते, पहले आप एम फाइंड आउट करते हैं, फिर आप ये 15th टर्म आपको अभी फाइंड करना है, फिर आप ये सब, ये टाइम पास हो जाएगा। सिंपल आप सीरीज को उल्टा कर दिया और सम बहुत ईजी हो गया। सो स्टूडेंट्स अब हम दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। फटाफट आपको बोलता हूँ क्वेश्चन क्या है। उसमें दिया है कि देयर आर टू एपीज और उसमें हमको बोला है कि वो जो दो एपी है अलग अलग सीरीज जो है उसका कॉमन डिफरेंस डी वो है वो इक्वल है, ये हमको बताया हुआ है। अब हमको और क्या दिया हुआ है कि 100th टर्म, दोनों का जो 100th टर्म है उसका जो डिफरेंस है, दोनों के 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100। तो हमको पूछा है कि 1000th टर्म डिफरेंस क्या होगा, ये हमको क्वेश्चन मार्क है। तो आप पहले पॉज करके खुद से विचारने की कोशिश करें कि ये सम कैसे सॉल्व होगा, फिर मैं तो आपको बता ही रहा हूं। तो अब ध्यान से देखने वाली बात है कि हमको पहले दो एपी दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें पहले क्या बोला हुआ कि जो डी है वो दोनों की इक्वल है। अब 100th टर्म का जो डिफरेंस है दोनों के, इसका 100th टर्म पहले एपी का, मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए कि वो एपी है 1, 2, 3, 4 और दूसरा एपी है, ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 2, 2, 3, 4, 5। देखो इसमें कॉमन डिफरेंस दी तो सेम ही है, दो एपी है। इसका जो 100th टर्म है ये दो एपी का, उसका जो डिफरेंस है वो हमको 100 है, उसका जो डिफरेंस होगा वो है 100। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हमारा फॉर्मूला है। अब हमको बोला है कि डी तो दोनों एपीज का सेम है, ठीक है। दो इक्वेशन लेना पड़ेगा, एक ए एन और एक बी एन ले लेता हूँ मैं। ये पहले एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरे एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों में डी सेम है पर ये सारे अलग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमको 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है कि ए 100 जो है हमारा वो हो गया ए प्लस 99 डी, और बी 100 क्या होगा हमारा, बी प्लस 100 माइनस 1 बी 99 डी होगा। 100th टर्म दिया हुआ है तो वो हमको ए एन की वैल्यू दी हुई है। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको क्या बोला है कि वो है 100। तो ए 100 माइनस बी 100 वो क्या होगा, ए
प्लस 99 डी, ठीक है, माइनस बी माइनस 99 डी, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो ए माइनस बी की हमको क्या वैल्यू मिली, 100 मिली, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि 1000 थंब का जो डिफरेंस होगा ये दोनों एपी का वो क्या होगा, तो हम क्या क्या बोला है, ए 1000 माइनस बी 1000 हमको पूछा है, ठीक है, वो भी क्या होगा, ए प्लस 999 डी, ठीक है, 1000 माइनस 1999 होता है, माइनस बी माइनस 999 डी, ये दोनों फिर से कट हो गए और हमारा आ गया ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 100, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो कि ये समझ, क्वेश्चन हार्ड है वैसे, पर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये बहुत क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो एग्जांपल थ्री करते हैं फटाफट स्टूडेंट, क्या है, हमको टू एपीज आर गिवन, दो एपी हमको दिए हुए, वो क्या है, पहला एपी 63, 65, 67 एंड सो ऑन, दूसरा एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। हमको बोला है क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या होगी, एंथ टर्म, एंथ टर्म ऑफ द टू गिवन एपी, एपीज विल बी इक्वल, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। n की वैल्यू क्या होगी, nth टर्म की, ये दोनों ये जो एपीज है उनकी जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो हम उसमें हमको n फाइंड करना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप पॉज करके खुद से सॉल्व जरूर कीजिए। तो चलो अगर मैं आप करा देता हूँ आपको फटाफट से ये भी सॉल्व। पहले क्या करेंगे, इसका d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस d 65 माइनस 63 मतलब होगा 2, और इसमें d क्या होगा, 10 माइनस 3 मतलब 7, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, nth टर्म ऑफ द टू गिवन APs आर इक्वल, तो पहले nth टर्म, पहले AP का क्या होगा, n इक्वल्स टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और हमारा दूसरा ये जो दूसरा AP उसका nth टर्म क्या होगा, bn इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, nth टर्म ऑफ द टू गिवन APs आर इक्वल, ठीक है, आपको पता चल गया क्या करना है, 63 प्लस n माइनस 1 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 7, ठीक है, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7 माइनस 7, ये माइनस 4 होगा, 3 माइनस 7 माइनस 4 होगा, यहाँ पे ले आता हूँ, तो 63 माइनस 2n प्लस 4, माइनस 4 का यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा, और ये अब 2n यहाँ पे चला जाएगा, तो 7n माइनस 2n, ये होगा हमारा 65 इक्वल्स टू 5n, यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयरफॉर n इक्वल्स टू 65 बाय 5, therefore n equals to 13। So students, ये मैंने टर्न सिलेक्ट कर, थ्री एग्जाम्पल सिलेक्ट करके आपको दिखाया है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, फिर से बोलूँ का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दिल से थैंक यू हमारे लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए।